जी इंडिया वालों, तो ये वो जगह है, यहाँ से बैठ के पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने हैं वो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। आप जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो आप वीडियो देखते हैं, वो ये जगह है। लेकिन आज पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो आपको यहाँ पे अब कोई इतने खास वो लोग नजर नहीं आ रहे। ये देखें, ये जगह सुनसान पड़ी हुई है, सिर्फ ये एक से दो लोग हैं बस, बाकी ये जगह आज आपको वीरान नजर आ रही होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वो जगह, यहाँ से ये वो इतना बड़ा स्टूडियो, ये स्टूडियो आपका जो है यूट्यूबर का लाहौर से, ये खाली पड़ा, क्या वजह? पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यो मैन, हम तो यहाँ पे यही पड़ा, असल भाव लगे ये है भिखारिस्तान। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर का स्टूडियो वीरान पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह? ओपन स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, गाड़ी देख रहा हूँ सर। आज पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, क्या कहेंगे? मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, मुबारकबाद। जरूर करता हूँ पाकिस्तानी टीम को, जो अच्छी परफॉर्म दिखाते हुए आज पाकिस्तान में वापस आ रही है। वेलकम वेलकम जी आया पाकिस्तान। यह सुनसान पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? यार इसकी वजह आपके सामने ही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर गया, तो हमारा वर्ल्ड कप तो यहीं पे खत्म हो गया। जी इंडिया वालों, तो ये वो जगह है, यहाँ से बैठ के पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने हैं वो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। आप जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो आप वीडियो देखते हैं, वो ये जगह है। लेकिन आज पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो आपको यहाँ पे अब कोई इतने खास वो लोग नजर नहीं आ रहे। ये देखें, ये जगह सुनसान पड़ी हुई है, सिर्फ ये एक से दो लोग हैं बस, बाकी ये जगह आज आपको वीरान नजर आ रही होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वो जगह, यहाँ से ये वो इतना बड़ा स्टूडियो जिसके ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर यहाँ से जितने वीडियो बने हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने हैं उन्होंने यहाँ से बैठ के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है जी। ये मौलवी जो पीछे आपको नजर आ रहा है, सरप्राइज टीवी वाला, ठीक है जी। तो ये सर, सर मैं बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा यूट्यूब का स्टूडियो है, यहाँ से बैठ के वर्ल्ड कप के ऊपर बात होती रही है, ठीक है जी। लेकिन आज ये सुनसान पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? यार इसकी वजह आपके सामने ही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर गया, तो हमारा वर्ल्ड कप तो यहीं पे खत्म हो गया। इस वजह से ये जगह सुनसान है, ये देखिए। जी बिल्कुल, इसी वजह से सुनसान है। आप बस हमने क्रिकेट को कवर करना है तो उसके लिए आज भी आए हुए हैं। ये बोर्ड आपको याद हो जी, ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको, हाँ जी, ये पीछे, ये सामने मोमोज की रेडी आपको नजर आई, ये इसका बोर्ड का बड़ा कमाल है, ये पीछे प्लेस का, ये खंबे, ये जी ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो फेस देखें कैसे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। ये अरसलान बाउंड्री मेकर के नाम से है। सर क्या हुआ, ये जगह बड़ी सुनसान है। सर आपको भी पता है कि क्या हुआ, हमें भी पता है, हार गए हैं और क्या हुआ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाहर तो आज सुबह ही हो गया था जब हम टॉस हारे थे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से मैच देखना ही फजूल था और मैंने मैच देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ खबर मिली है कि मैच हार गए हैं, तो ठीक है ना। सर ये आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर का स्टूडियो वीरान पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह? ओपन स्टूडियो है हमारा, ये सही कह रहे हैं आप। अब देखिए मजा खत्म, बात खत्म, लेकिन ये कि हमें काम तो करना है, आप काम करते रहना चाहिए। और अब जो वर्ल्ड कप में टीम्स हैं जो डिजर्व करती हैं वो इस टाइम सेमीफाइनल्स खेल रही हैं, तो आप देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं। टॉप की टीम्स खेल रही हैं इस टाइम। पाकिस्तान बाहर हो गया, अब आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर? यार मैं साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका इंडिया, किसको विन होता देख रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फाइनल आए, फिर अब जी जो मर्जी जाए। कल इंडिया का नेदरलैंड के साथ मैच है, क्या लगता है अनबीटेबल रहेगा? वो तो प्रैक्टिस मैच है उनके लिए, वो तो उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि 15 को सेमीफाइनल होने जा रहा है, तो वो तो उनके लिए प्रैक्टिस मैच है। पाकिस्तान आज बाहर हुआ, कोई एक वजह बताएंगे? मिसमैनेजमेंट बस, और कुछ नहीं। दुनिया की नंबर वन बोले बैटिंग फारक अज़ाम, मैनेजमेंट नहीं ठीक होगी, मैनेजमेंट नहीं ठीक होगी तो हम लोग कैसे हर चीज को लेके चल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो मौलवी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गाड़ी देख रहा हूँ सर। आज पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, क्या कहेंगे? मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, मुबारकबाद। जरूर करता हूँ पाकिस्तानी टीम को, जो अच्छी परफॉर्म दिखाते हुए आज पाकिस्तान में वापस आ रही है। वेलकम वेलकम जी आया पाकिस्तान। सर क्या बात है, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर का सबसे बड़ा ये स्टूडियो जो है वो आज वीरान पड़ा हुआ है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उसके ये वजह? कौन सा स्टूडियो? ये यहाँ पे आप खड़े हैं, ये तो स्टूडियो नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर जितने यूट्यूबर हैं उन्होंने यहाँ से काम किया ना, यूट्यूब अड्डा इसको बोल रहे हैं। आपने आना होना तो यूट्यूब मंडी बोल रहे, यूट्यूब अड्डा बोल रहे। अब लोकेशन,
जो लिख रहे ना उनको बोले यूट्यूब मंडी कहाँ पे लगती थी, वो आ जाएगी यूट्यूब मंडी। तो आज ये विराम क्यों पड़ी है? देखिए अब सब आ गए वापस, ना यहाँ पे सना अमजद नजर आ रही है ना कोई। अच्छा जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मेरे साथ अवैस भाई मौजूद हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत खुश सर। आई ये स्टूडियो आपका जो है यूट्यूबर का लाहौर से, ये खाली पड़ा, क्या वजह? पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? यो मैन हम तो है यहाँ पे ना, यही पड़ा। असल में मामला क्या है, ये है भिखारिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान ये भिखारिस्तान है। एक मिनट, ये भाई बोल रहे हैं कि भिखारिस्तान ही है, आपके ऊपर चढ़ता आ रहा है। अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्यों? आप लोगों ने पाकिस्तान को जिता के वीडियोस अपलोड की हैं। पाकिस्तान हार गया, आए इनकी शक्ल नहीं है। कोई बात नहीं यार, हार जीत गेम का हिस्सा होती है। हाँ बाकी इंटरनेशनल बॉयज प्ले वेरी वेल। ओह माय गॉश सर, आप वर्ल्ड कप के अंदर किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान जा चुका था, आई विल गो फॉर इंडिया। इंडिया को, हाँ, क्योंकि एशिया की इज्जत उसी ने बचाई हुई है यार। देखें इतने यूरोप के इतने बड़े बीस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के होते हुए भी हम एशिया से कोई टीम तो आगे जा रही है यार। एशिया से श्रीलंका बाहर हो गया, बांग्लादेश बाहर हो गया, अफगानिस्तान बाहर हो गया, बिल आखिर पाकिस्तान भी बाहर हो गया, तो इंडिया ही रह गई है, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। क्या बात है, आज हमें यहाँ पे सनमजे नजर नहीं आ रही यार। वो बस आई थी, वो भी चली गई है, उनका भी नहीं मूड बना, बस पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान बाहर हो गया यार। अच्छा, दुख है आपको? बहुत ज्यादा। कोई एक वजह जिसकी वजह पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ? सिलेक्शन, सिलेक्शन सबसे बड़ी वजह सिलेक्शन थी, चाहे वो कमेटी की हो, चाहे वो बोर्ड की हो, चाहे वो हमारे हेड की हो, कुछ भी हो, वही है यार सिलेक्शन की वजह। हमने अपने यार दोस्त पहले रखे हैं, हमने अपनी टीम नहीं बनाई उस हिसाब से जिस हिसाब से बननी चाहिए थी, उस वजह से हो गया उनका। जी, ये मेरे इनसे बात हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे ये बताएं कि आज आपका ये जो स्टूडियो है यूट्यूबर का लाहौर से, जितना वर्ल्ड कप पे बात हुई है कोई जगह से हुआ, ये वीरान वीरान इतने यूट्यूबर नहीं, इसकी क्या वजह है? भाई 10 दिन बाद अगर हम आ गए हैं तो फिर वीरानी बात ही। आपने 10 दिन बाद हम आए हैं फिर वीरानी यार। आज पाकिस्तान का हारना फिर भी पाकिस्तानियों के लिए यार दुख की बात तो है, और वर्ल्ड कप से बाहर होना क्यों? और सुनन भाई, इंग्लैंड की बचत हो गई है, चलो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने क्वालीफाई करना था, कर गए हैं। शायद गिफ्ट दे दिया यार, हम लेकर आए हैं। सेमीफाइनल में तो जाना नहीं था, जीत के भी तो हमने उन्हें गिफ्ट दे दिया, हालांकि एंड पे हम जीत रहे थे। शर्म फिर नहीं आई जो कुछ इंग्लैंड कर गया हमारे साथ? शर्म मगर हमें आती नहीं है, लेकिन यार देखिए हो जाता होता है। आप अगर पाकिस्तान जीता तो आपका कारोबार तो नहीं ना चलना था, तो थैंक गॉड के देखेंगे जी।